देश में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के मोदी सरकार के फैसले का लगातार विरोध हो रहा है और आज एसपी और बीएसपी ने भी इस मसले पर सरकार पर जोरदार निशाना साधा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि सरकार का यह फैसला अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए है और यूपी चुनावों को देखते हुए मोदी सरकार ने आर्थिक आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने आने वाले कई सालों का इंतजाम कर लिया है और देश में नोटों की बंदी लगा दी है। उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों को ही दिक्कत होगी क्योंकि सरकार ने धन्ना सेठों का पैसा विदेश पहुंचा दिया है। वहीं मुलायम सिंह यादव ने भी नोटबंदी के फैसले पर असहमति जताई है। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि आम लोगों को हो रही दिक्कतों के मद्देनजर सरकार इस फैसले को एक हफ्ते के लिए टाल दे। उन्होंने कहा कि वह हमेशा से काले धन के खिलाफ रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि देश में काला धन वापस आए और इसका इस्तेमाल देश के विकास में हो। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान काला धन वापस लाने का फैसला किया था, लेकिन आम लोगों का काले धन को लेकर दबाव पड़ने के बाद उन्होंने नोटों पर ही बैन लगा दिया है। वहीं दोनों पार्टियों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ संसद के शीतकालीन सत्र में आवाज बुलंद करने की बात कही है। नोटबंदी के सरकार के इस फैसले से विपक्ष खासा नाराज दिख रहा है। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी समेत कई राजनीतिक दलों ने साफ कर दिया है कि वो सरकार के इस फैसले का संसद में पुरजोर विरोध करेंगे। ऐसे में संसद का सत्र हंगामेदार रहने के आसार बढ़ गए हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।